नमस्कार, आप देख रहे दैनिक लाभ न्यूज 24। मैं हूं जिला विरोधी वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, उमर जो जिसकी हत्या हो गई थी बोड़बाग स्कूल के पास, उसी में दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। 24 घंटा के अंदर झाझा के थाना अध्यक्ष राजेश शरण, SDPO रविशंकर प्रसाद ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों अपराधी ने अपना अपराध कबूल करते हुए बताया कि इसने उमर का जो है मेरी पत्नी के साथ गलत संबंध था, हमने कई बार इसको देखा, इसी कारण मैंने इसकी हत्या कर दी। दोनों अभियुक्त अपना अपराध कबूल कर चुके हैं। इसी क्रम में आज SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कहीं ना कहीं ये मामला ओझागुनी से भी संबंधित है। जैसा कि वे लोग बता रहे हैं कि एक जिन रहता था, जिन से हर काम, ये लोग क्या क्या अंधविश्वास में अभी भी हमारा समाज जकड़ा हुआ है। लेकिन डॉक्टर सोरी सुमन ने बताया कि दोनों अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती। जो जांच टीम में शामिल थे SHO राजेश्वरन, SDPO झाझा रविशंकर प्रसाद और राज्यवर्धन, साथ ही साथ रवि रंजन जो सब इंस्पेक्टर झाझा और झाझा के वीरभद्र सिंह सब इंस्पेक्टर हैं, तमाम टीम ने 24 घंटे के अंदर इस कांड का उद्भेदन करके अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। दिनांक 14 मई 2022 को झाझा थाना क्षेत्र अंतर्गत उच्च विद्यालय बोड़वा परिसर में मोहम्मद उमर अंसारी, उम्र 40 वर्ष, पिता स्वर्गीय हारून अंसारी, साकिन बोड़वा, थाना झाझा, जिला जमुई का शव पाया गया था। हत्या किसी कड़े एवं भोथरे पदार्थ से सर पर प्रहार कर किया गया प्रतीत हो रहा था। मृतक के परिजन तस्लीम अंसारी, पेशा स्वर्गीय हारून अंसारी, साकिन बोड़वा, थाना झाझा, जिला जमुई के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध झाझा थाना कांड संख्या 177/22 दिनांक 14 मई 2022 धारा 302-34 IPC दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। कांड के सफल उद्भेदन हेतु मेरे द्वारा त्वरित कार्रवाई के निर्देश पर DSP झाझा के नेतृत्व में झाझा थाना पुलिस की टीम के साथ एक SIT का गठन किया गया। उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए परिस्थितिजन्य साक्ष्य, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं आसूचना संकलन के आधार पर पूछताछ हेतु संदिग्ध पाए जाने पर गुड्डन शाह उर्फ रोहित शाह, उम्र करीब 43 वर्ष, पिता स्वर्गीय नारायण शाह, साकिन बुड़वा, थाना झाझा, जिला जमुई को पुलिस हिरासत में लिया गया था। गुड्डन शाह उर्फ रोहित शाह के द्वारा पूछताछ के दौरान अपने दोस्त को स्वीकारा गया है। इनके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे का सांभल बरामद कर लिया गया। हत्या में शामिल एक अन्य प्राथमिकी अभियुक्त मिंटू कुमार, उम्र 24 वर्ष, पिता सुखदेव शाह, साकिन बुड़वा, थाना झाझा, जिला जमुई, जो इनसे रिलेटेड हैं, जो अभियुक्त हैं उनसे रिलेटेड हैं, उनकी भी गिरफ्तारी करने में पुलिस को सफलता मिली। तो इस घटना में दो लोगों की आपको संलिप्तता थी। इस घटना को मात्र 24 घंटे के अंदर ही उद्भेदन कर लिया गया था और घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को की गिरफ्तारी एवं हत्या में प्रयुक्त लोहे के सांभर की बरामदगी कर ली गई। गिरफ्तार अभियुक्त गुड्डन शाह और रोहित शाह अपने स्वीकृत बयान में बताए हैं कि मृतक से कुछ दिन पूर्व इनकी जान पहचान हुई थी और अंधविश्वास में पड़कर मृतक को जिन रखने वाले बाबा समझकर काफी इज्जत देते थे और अपने घर में भी रखते थे। इनके द्वारा अत्यधिक प्रतिशत दिए जाने के आड़ में मृतक इनकी पत्नी पर बुरी नजर रखते थे। इसी कारण दोनों के द्वारा हत्या की सुनियोजित योजना बनाकर दिनांक 13-14 मई 2022 की रात्रि में इस घटना को अंजाम दिया गया। मृतक का यह भी कहना है, मृतक जो है इनके बारे में यह भी बात पता चली है कि इनका इनके जो पत्नी है, जो जो अक्यूज इनकी पत्नी के साथ इनका अवैध संबंध भी था, जिसको लेके जो अनुसंधान का विषय है कि इनकी पत्नी की मृत्यु भी 2-3 दिनों पहले हुई थी। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उनका नाम है गुड्डन शाह उर्फ रोहित शाह, उम्र करीब 43 वर्ष, पिता स्वर्गीय नारायण शाह, साकिन बुड़वा, थाना झाझा। मिंटू कुमार, उम्र 28 वर्ष, पिता सुखदेव शाह, साकिन बुड़वा, थाना झाझा। कार्रवाई में शामिल पुलिस पदाधिकारियों का नाम है DSP रविशंकर प्रसाद झाझा, पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष राजेश शरण, SI रंजन कुमार, SI राजवर्धन कुमार, DIU उमर अंसारी। उमर अंसारी, आपका क्या नाम? मेरा नाम है गुड्डन सिर्फ उर्फ रोहित शाह। रोहित शाह, गुड्डन उर्फ रोहित शाह, आपका कहाँ घर है? मेरा घर वो बोड़वा। बोड़वा, हाँ, जिसको मारे थे, क्या नाम बताया उसका? उमर अंसारी। उमर अंसारी, वो कहाँ का? वो बोड़वे का, ऊपर टोला था। दोस्ती धीरे धीरे हो गया, घर में रहना शुरू किया, ठीक, और उसके बाद एक दिन ऐसा हो गया कि मेरा पत्नी पर रेप किया, उसके बाद मर गई बेचारी। रेप किया तो आप केस किए थे? आज ऐसा करवे किया वो, कल ऐसा मर गया। अच्छा, ठीक, मर गया, उसके बाद कान में हवा आने लगा, सब बाल बच्चा, तब न किए केस।
जा रहे थे करने के लिए, बोले कि अब वो केस क्या करेंगे, जब ये गलती किया हम भी गलती करेंगे। अच्छा सर, गलती कर दी। अच्छा तो मतलब वही, मतलब मौत का बदले मौत दिया। जी क्योंकि केस उसने किया सीधे। हम आई मारे कहाँ पर? जी सर, स्कूल में रहता था, उसका बगल में लिफ्टिंग के लिए गया था वो। अच्छा, वही उसको दारू, बोले कि बिना दारू पिलाने कैसे होगा रे। अच्छा, तुम दारू पिलाना हम मारेंगे। अच्छा, तो कौन दारू पिलाया? ये दारू पिलाया सर। अच्छा। और हम मारे। तो कौन जी से मारे? रड से। रड से, रड से मारे। जी, तो दारू पिला के? जी, वहीं विद्यालय के आसपास में। जी, दारू पिला। तो फिर ये कैसे पता चला कि आपके बारे में कि यही पुलिस? रोज आते जाते था सर हमारे घर में, तो मेरा पत्नी मर गया उस दिन भी गया था। आपको शक हुआ? शक नहीं सर, देखा था इन्होंने अपने आंखों से। रेप जो किया था सर, इन्होंने अपने आंखों से देखा था, ऐसा करते हुए लगता। अच्छा, तब उनको शक हुआ था। टेंशन। आप कौन हुए इसका? आपका क्या नाम? मामा है। अच्छा, ये आपका मामा है। हाँ। आपका क्या नाम हो? मिंटू। मिंटू, तो मतलब वही मामू बोला कि मामी का साथ ऐसा घटना किया, इसीलिए आपका? हाँ, ये बार बार बोलते थे कि बात बार बार कि ऐसा ऐसा है हमारे साथ, ऐसा ऐसा है, हम कुछ ना कुछ करेंगे, हमको टेंशन हो रहा। मतलब उनको दिखाने के लिए गया वैसे ही डॉक्टर के पास, उनका मौत हो गया, तो उनका बर्दाश्त नहीं हो पाया, तो इधर आया, बोला कि चलो ऐसा करेंगे तो हम तुम साथ में रहते। मैं आगे से दारू पिला रहा था, पीछे से मार दिया दरवाजा, उसी में मरी है। हाँ, तो क्या रड मारा था? हम भाग गए, तुरंत मारने जैसे लगे हम साइड हो गए। वो मतलब वो जो मर गया था कि मैं सर वो जो है मर गया।